प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ अभियान को लेकर पट्टा सिटी रामेश्वर दास पन्नालाल महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जहां छात्राओं ने रैली में प्लास्टिक विरोध भरे तख्तियां हाथों में लिए लोगों को जागरूक करते नजर आईं। साथ ही प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को बताते हुए लोगों को पॉलीथीन कैरी बैग और प्लास्टिक का झोला को छोड़कर कागज के कपड़े के बने झोला को उपयोग करने की अपील की गई, ताकि लोगों में प्लास्टिक उपयोग न करने में जागरूकता बढ़े। एंकर पिंकी सिंह के साथ तृप्ति राय की रिपोर्ट। अंजू जैन ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुबह से उठ के शाम तक लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। टूथब्रश से लेकर प्लास्टिक शुरू होती है और एंड तक प्लास्टिक रहती है। शुरू में प्लास्टिक के आविष्कार से सब खुश थे, लेकिन आज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये बहुत सालों तक ये गंदे केमिकल्स यूज़ करती है, जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ख़राब हो रहा है। और पर्यावरण से हम लोगों के यहाँ देखिए, कभी बेवक्त बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे कि अभी हम पटना में ही हाल में देखे कि पूरा जल जमाव हो गया। ये जल जमाव का कारण बहुत सारा प्लास्टिक की पन्नी नालों के अंदर बंद हो गई, कूड़े करकट हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग जहाँ तक हो सके प्लास्टिक यूज ना करें, अगर यूज करता है तो उसे डस्टबिन में फेंके और कम से कम यूज करें। सब्जी भाजी लेने जाए तो अपने झोले अपने साथ लेके जाए। धीरे धीरे अगर हम एक आदमी 10 को जागरूक करेंगे तो शायद हजारों की संख्या में हम लोग प्लास्टिक का यूज करना बंद करेंगे। और सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां ही बंद करवा दे, ताकि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही ना हो। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोग यूज भी नहीं करेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है भारत सरकार को। लोगों को क्या जागरूकता करना है? बस यही जागरूकता में लाना है लोगों को कि प्लास्टिक और बैग जो पॉलीथीन है उनको हमें बहुत ही हानिकारक, जिससे बहुत बीमारियां फैल रही हैं, जिससे के लिए प्लास्टिक को हटाना है और जीवन को बचाना है। इसी अभियान को लेकर हमारे RTM कॉलेज में कुछ लोग भी आए हैं इस बात को बताने के लिए कि प्लास्टिक को हटाएं और जूट के बैग को अपनाएं। बस यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक के बैग को हटाकर जूट के बैग को अपनाएं और अपना जीवन स्वच्छ बनाएं। आगे बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग जगह जगह जाके ये आविष्कार कर रहे हैं कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़े आप। मेरा नाम रोशन घोड़ा है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम अगर प्लास्टिक का यूज़ भी करते हैं तो उसका सही ढंग से यूज़ करें। हम उसे डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें। इससे हमारे पशु पक्षी, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स को भी और पूरे इन्वायरमेंट को इस प्लास्टिक से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोगों को समुद्रों में या फिर इधर उधर कहीं भी प्लास्टिक नहीं फेंकें। क्या नाम हो? खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।